हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आप देख सकते हो कि एक हमारे पास RJ27 राजस्थान की गाड़ी आई है, जिसके आप फ्रंट बम्पर देख सकते हो। तो इसे हम मॉडिफाइड करने वाले हैं, और हेडलाइट आप देख सकते हो कि हेडलाइट भी इसमें ओरिजिनल कंपनी की लगी हुई है। तो हम ये हटाकर इसमें प्रोजेक्टर लाइट लगाएंगे, जो बुलेट की लाइट आती है। बीच की ग्रिल भी हट जाएगी, इसमें इंडिकेटर भी ये वाले हट जाएंगे, दूसरे गोल वाले इंडिकेटर लगेंगे। साइड लुक में आप देख सकते हो कि इस गाड़ी में गाड़ी की थोड़ी हाइट कम है, मतलब गाड़ी टकरा जाती है। मडघाट की हाइट आप देख सकते हो, तो इस गाड़ी की हम हाइट भी बढ़ाने वाले हैं। इसमें कॉइल पेड लगाकर फ्रंट और रियर की दोनों साइड हाइट बढ़ाएंगे। और बैक लुक में आप देख सकते हो कि बैक लुक का बम्पर भी इसमें कंपनी से ही लगा हुआ था। हम इसका बम्पर भी निकालेंगे और इसमें मेटल बम्पर डिजाइन करेंगे। और डिक्की के ऊपर आप देख सकते हो कि इसको लॉक लगा हुआ, इस लॉक को हम हटाकर यहाँ पर हम स्टेपनी फिट करेंगे। तो कैसे स्टेपनी फिट करते हैं मैं आपको ये बताऊंगा। और आप इसकी रूफ देख सकते हो, पूरी क्लियर है। इसकी रूफ के ऊपर भी हमने अभी एक सिल्वर कलर की गाड़ी के ऊपर हमने एक ब्लैक कलर का रिडीम लगाया था, सनरूफ के लुक जैसा। तो हम इसमें भी वही लुक देने वाले हैं, ब्लैक कलर का रिडीम लगाएंगे। और इंटीरियर में क्या क्या काम करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटीरियर में कोई चेंजेस वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ फर्श में से जंग लग रही है। आप देख सकते हो ये जंग लग रही है। तो हम ये सारी जंग गाड़ी को पूरा इंटीरियर अंदर से सीट वगैरह खोलकर इसमें हम नीचे फर्श में ब्लैक कलर करेंगे, ताकि गाड़ी में जंग वगैरह ना लगे। और इसकी रूफ काफ़ी मेली हो रही है, तो इसकी रूफ को भी पूरी क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस गाड़ी का काम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम इसके बम्पर वगैरह खोल देते हैं, लाइटें वगैरह हटा देते हैं, गाड़ी के अंदर की सीटें वगैरह खोल देते हैं। क्या क्या काम करना है वो मैं आपको बता दूँगा। दोस्तों आप देख सकते हो कि हमने गाड़ी के फ्रंट बम्पर खोल दिया है, ग्रिल हेडलाइट सारी हटा दी। गाड़ी का आप हाइट देख सकते हो कि काफ़ी हाइट कर दी हमने गाड़ी में। अभी बैक लुक में काम चल रहा है हाइट बुजिंग का। और इंटीरियर में आपको बता देता हूँ कि सारा खोल दिया है, जंग आप देख सकते हो। बैक लुक में आप देख सकते हो बम्पर हमने हटा दिया है, नीचे बुजिंग का काम चल रहा है। डैशबोर्ड को ढक दिया हमने, ताकि उसके ऊपर कलर वगैरह ना उड़े। अब देख सकते हो दोस्तों कि हमने अंदर ब्लैक कलर कर दिया है पूरी फर्श को। टैंक पर भी थोड़ा सा ब्लैक कलर लगा दिया हमने, जंग वगैरह दिख रही थी उस पर ज़्यादा, तो इस टाइप से कुछ ब्लैक कलर किया है। अब इसमें जंग लगने से थोड़ी इसे सेफ्टी हो गई है। Thank you.
दोस्तों आप देख सकते हो कि फ्रंट बम्पर गाड़ी में कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके ऊपर ग्रिल लगाना बाकी है, बीच की जाली जो लगती है, और ऊपर की साइड के लिए दो यहाँ पर इंडिकेटर के होल बनाना बाकी है और दो प्रोजेक्टर लाइट। इस टाइप से कुछ लुक आया दोस्तों गाड़ी का। बैक लुक भी दिखाता हूँ मैं आपको। बैक लुक में आप देख सकते हो कि इसका रियर बम्पर की हमने पूरा जो सेंटर वाला जो स्पोर्ट्स लुक का जो फ्रेम बनता है वो बना लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हो इस टाइप से कुछ बना है, अभी से फिट करना बाकी है, काम चल रहा है। और गाड़ी को अंदर से हमने पूरा फिट कर दिया है वापस जैसा पहले था, फर्श में हमने कलर करके इसको वापस फिट कर दिया है। यहाँ देख सकते हो आप टंकी के नीचे पूरी फर्श को ब्लैक कलर किया है। दोस्तों आप देख सकते हो कि रियर बम्पर तैयार हो गया, कुछ इस टाइप से फिटिंग बनती है रियर बम्पर की। यहाँ पर अभी मेटल की शीट लगाना बाकी है, बाकी इस टाइप का लगा और स्टेपनिंग हम इस टाइप से कुछ फिट करते हैं। आप देख सकते हो डिक्की में कर देने के बाद में हम मेटल की शीट लगाते हैं और यहाँ पर तीन बोल्ट देते हैं फिटिंग के लिए। आप देख सकते हो दोस्तों कि गाड़ी में बम्पर कंप्लीट हो चुका है, फ्रंट बम्पर है ये। इसमें दो हेडलाइट लगेगी, दो फॉग लाइट और दो इंडिकेटर और दो एक्स्ट्रा एलईडी लाइट लगाएंगे जिसके लिए हमने यहाँ पर वाइसर वेल्ड किया है बम्पर के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हम इसके ऊपर पहले रेड प्राइमर कर देते हैं ताकि जंग वगैरह ना लगे इसमें। और इस टाइप से कुछ रियर बम्पर बनाया है जिसकी पुट्टी वगैरह हमने कंप्लीट कर ली है, इसके ऊपर हम पहले रेड प्राइमर करने वाले हैं। आप देख सकते हो इस टाइप का लुक आया है। और ये डिक्की के ऊपर भी आप देख सकते हो कि स्टेपनी की फिटिंग बना ली हमने। ये तीन बोल्ट दिए हैं फिटिंग के लिए, स्टेपनी कसने के लिए। तो इसके ऊपर भी हम पहले रेड प्राइमर कर लेते हैं। Thank you.
अलग। दोस्तों आप देख सकते हो कि बम्पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर हमने ब्लैक कलर भी कर दिया है और इसकी लाइटें भी लगा दी हमने। इसमें आप देख सकते हो प्रोजेक्टर लाइट है, इसमें DRL भी लगा हुआ है, तिरंगा में DRL है, और एक नीचे फॉग है, फॉग में भी DRL लगा हुआ है, और इंडिकेटर आप देख सकते हो, और ये दो एक्स्ट्रा LED लाइट लगाई हमने। इस टाइप से कुछ लुक आया दोस्तों। इसका मैं आपको खर्चा बताऊँगा बाकी वीडियो के एंड में बताऊँगा कितना खर्चा आया है। बम्पर लाइट और रियर में जो डिक्की में हमने स्टेपनी लगाई है उन चीज़ों का। तो चलिए इसको फटाफट से फिट कर देते हैं, उसके बाद में देखते हैं गाड़ी का लुक कैसा आया है। दोस्तों आप देख सकते हो कि फाइनली अपनी गाड़ी तैयार हो चुकी है, बम्पर हमने लगा दिया है। इस टाइप से कुछ लुक आता है दोस्तों गाड़ी का बम्पर लगने बाद में। कैसा लग रहा है आपको फ्रंट लुक? रियर लाइट है इसका, मैं आपको इसकी लाइटिंग चालू करके बताऊँगा। बैक लुक में भी आप देख सकते हो कि रियर बम्पर पूरा कम्प्लीट हो चुका है। स्टेप का कुछ लुक आया, हमने डिक्की के ऊपर स्टेप नहीं लगाई है और बम्पर कुछ इस टाइप से आया लुक। चलिए पहले गाड़ी को गैरेज से बाहर करते हैं, उसके बाद में एक आपको वॉक अराउंड दे देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो कि फाइनली लुक आ गया गाड़ी में। इसमें हमने स्टेपनी लगाई, स्टेपनी का थोड़ा टायर ख़राब है, वो कस्ट प्लेट नहीं लगी, नंबर प्लेट यहाँ लगाना है हमें। और रूप पर आप देख सकते हो कि एक सनरूफ के लुक में हमने सिर्फ रेडियम लगाया है। इस टाइप का फ्रंट लुक है। कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं दोस्तों इसके खर्चे की, कि इस गाड़ी में कितना खर्चा आया। जैसे आपने देखा है कि हमने इसका फ्रंट बम्पर बनाया है, रियर बम्पर बनाया है, डिक्की के ऊपर स्टेपनी फिट की है, फर्श में कलर किया है, और फ्रंट बम्पर में हमने प्रोजेक्टर लाइट, LED लाइट, फॉग लाइट, इंडिकेटर ये भी लगाए हैं, और गाड़ी की हमने हाइट भी बढ़ाई है। तो इन सभी चीज़ों का खर्चा आया है करीब 18,500 रुपये। हमारा पता है मध्य प्रदेश बड़वानी जिला, बड़वानी ज़िले में बस स्टैंड के पास हमारा गैराज है। ये अंदर मैंने एसी लगा रखी।